फाइटिंग सीन देख रहे हैं कि गुस्सा देखो इसको, ये तो गर्ल्स का हाल है भाई, गर्ल्स की देखो नेचुरल गार्डिंग स्किल्स अभी से। Hey girl, what happened to you girl? Oh, what happened to you girl? Hey girl, oh my goodness, hey girl, what happened girl, hey girl, what happened, tell me, kya hua, ole babu, kya hua, ये गर्ल्स का ही हाल है भाई, गर्ल्स देख रहे हो आप, इसे बोलते हैं 100% गार्डिंग लाइन, बर्ड लाइन, परी की सारी शेरनी ऐसी हैं। और इन लोगों की बड़ी गर्लफ्रेंड की जो फीमेल है वो अच्छी गार्ड नहीं होती है, आप देख सकते हैं उनके स्किल्स अभी से, इनका जो बॉडी लैंग्वेज है, इनका जो प्रेजेंटेशन है, रिएक्शन देने का, सी Yes, baby girl. Tell me what happened. अभी जो है हम डॉग्स के लिए एक शेल्टर बना रहे हैं ताकि ठंड में या आसपास जो है थोड़ी दिक्कत ना हो और बारिश में उनको जो है थोड़ा सा शेल्टर दिया जा सके। तो एक अपना सोशल वेलफेयर का एक छोटा सा स्टार्ट है, छोटा सा कॉज है, टेरेस पे ही जो है अपने साइड में बिल्डिंग में एक टेरेस पे ही हम इसको यूज़ कर रहे हैं। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। गैरेश मेरे को ना हथौड़ी की ज़रूरत है, इसको थोड़ा सा यहाँ से तोड़ना है ताकि ये ठीक से निकल सके। हथौड़ी लेके आना कोई, थोड़ा सा हथौड़ी लेके आ जाओ वहाँ से, जा चल जा चल आ जाओ जाओ लेके आओ जरा लेके आ बेटा हथौड़ी बिठा ले, शाबाश, ले आ ले आ ले आ लो ले आ बेटा, गुड गर्ल, ले आ ले आ ले आ, शाबाश। परी इसमें डर रही है, कंपटीशन हो जाएगी, कौन देगा परी की, मैं दे दे, थैंक यू सो मच माय स्वीटी, बहुत भारी है भाई, ऐसे नहीं है, हाँ रियल है, थोड़ा प्लास्टिक का नहीं है बस, ए हट ना, ए हट, ए ये ले परी, इधर आ, लो ले जा थोड़ी, ले जा, हथौड़ी लेके आ बेटा, फ्लोरा ले आ बेटा, उठा ले उठा ले, गुड गर्ल, थैंक यू फ्लोरा बेबी। तो अब जो है हम तो अब जो है फ्लोरा हथौड़ी ले आई है, अब हम इसको तोड़ सकते हैं ताकि इसका रास्ता ठीक से बन जाए निकलने के लिए। हाँ थैंक यू फ्लोरा। तो अभी परी के बच्चे जो हैं 15 डेज के ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं इनकी एक्टिविटीज़, इनका बॉडी लैंग्वेज, इनका बिहेवियर, इनका थोड़ा चलना शुरू हो गया है, थोड़ा इनका चीज़ों को देख के रिएक्शन करना और बार्क करना भी शुरू हो गया है। आई होप आपको ये सब पसंद आ रहा है। जैसे कि आप हमेशा पूछते हैं ये प्योरिटी और उन सब चीज़ों के बारे में, तो आप देख सकते हैं 15-16 डेज़ का जो बेबी है प्योर डोबरमैन का, उसका जो फेस है
वो फेस बजाय नैरो और छोटा होने के आप देख सकते हैं ब्रॉडनेस। मुझे तो काफ़ी लोगों ने कमेंट करके बोला कि भैया ये डोबरमैन के बच्चे हैं या रॉटवाइलर के। तो यार ये डोबरमैन है जिसको असली डोबरमैन बोलते हैं, जिसको ढूंढ पाना आज की डेट में बहुत मुश्किल है इंडिया में। तो ये है भाई अपनी प्यारी परी और ये उसके प्यारे बच्चे, देख सकते हैं क्या शेरनी की तरह बिल्कुल चमक रही है अपनी शाइनिंग गर्ल और इसके प्यारे प्यारे बच्चे। दिखाना एक बारी वाइट। Hi, is it a girl? Hi, girl. Yes. Hello, Flora. Hi, Flora. Allow कर दिया परी ने तेरे को babies को touch करने के लिए। Let her touch Ash. Wow, good. She will be female. अच्छा, ये परी ऐसे चाटती है तो ये एकदम जो है body जब गर्म होती है इनके नीचे से तो परी को चाटती है, इनका कुछ formula है वो तभी जो है सुसु कर देते हैं ताकि बिस्तर गीला ना हो। हाई टच वुड यार, परी की जो फिजिक है, इसका जो बॉडी पॉस्चर है, इसकी जो मस्कुलरिटी है, देख रहे हैं आप, मतलब नो वर्ड्स यार। ये नहीं कि हम अपने बच्चे की कोई ऐसी तारीफ कर रहे हैं, इट्स नॉट अ डिस्प्ले थिंग विच वी आर अप्रिशिएटिंग, बट दिस इज द फैक्ट विच शोज एंड कैन बी सीन बाय एनीवन। उम्मीद करता हूँ आप भी अग्री हैं इस बात से कि कुछ अमेजिंग ही है। इसकी बिल्ट देख रहे हैं आप, बिल्कुल लग रहा है कुछ जैगुआर सा बैठा हुआ है, चमकता हुआ शाइनी। और परी के बच्चे जो है अभी अपने कदमों पे चलना धीरे धीरे सीख गए हैं, मैं नोटिस कर रहा हूँ आजकल ठीक से वो चल पा रहे हैं। ऐसी कहते हैं स्वीटी बेबी, छोटा सा क्यूटी गर्ल, सबसे नॉटी गर्ल है, सबसे छोटी है और सबसे शरारती है, देख रहे हो। हेलो बेबी, इन सारे बच्चों में से सबसे पहली बार मुझे किसी की है किसी ने। अरे मेरा बेबी, माय स्वीटी बेबी, क्यूटी गर्ल, माय बेबी। आई सामने से दिखाना चाहिए इसका फेस एक बार। ऐशिया क्या क्या करवा रही थी, छोड़ दे रहे नीचे खेलने दे थोड़ी देर मम्मा के साथ, छोड़ दो। सो गया फ्लोरा भी जो है पूरी गार्डिंग स्किल्स के साथ बैठी है परी के बच्चों के साथ, देख सकते हैं आप। ये बकेट में इसलिए रखा है ताकि साइड से थोड़ी बहुत हवा ना आए इनको, और थोड़ी सी हवा है और ये धूप सेक सकें। ये है आरएल सेक्शन में जो है इसको लेके चला जाता है। This is RL rocket launcher, 84 mm. देखो ये LMG वरिंदर 84 mm RL जो सेक्शन में जो है RL मैन इसको लेके चलते हैं। तो ये है रियल घिली सूट जो आप देखते हैं कॉमिफ्लैज पहन के आड़ लेने के लिए ताकि दुश्मन को दिखाई ना दे कि कहाँ किस डायरेक्शन में छुपे हुए हैं, जो अक्सर आप पबजी और ऐसे गेम्स में देखते हैं। तो रियल में आपको मैं दिखा दूं आज। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं ये एक स्पेशल वेपन, आप देख सकते हैं स्नाइपर जो आप हमेशा यूज़ करते रहते हैं गेम्स में, तो रियल स्नाइपर कुछ ऐसी होती है। आप इसका बॉडी फ्रेम देख सकते हैं, पूरा प्लास्टिक इसका ग्रिप है और काफ़ी अच्छी इसकी जो है ट्रिगरिंग है, काफ़ी सॉफ्ट ट्रिगरिंग है ताकि अचूक निशाना लग सके कम से कम हिले और वाइब्रेशन हुए बिना। ये छोटे मोटे मोटार या गोलों से सुरक्षा के लिए है, अगर कोई
गिर के फटता नहीं है, कोई बॉम ऐसा अनएक्सप्लोजिव बॉम जब होता है आईडी को जब डिफ्यूज़ करने के लिए जाते हैं तो ये स्पेशल सूट पहन के जाया जाता है। और ये बड़ा ही ख़ास प्रकार का एक हेलमेट होता है, पूरा सूट होता है पूरे शूज़ के साथ, पूरा ग्लव्स के साथ, ताकि अगर एक्सप्लोजिव हो भी जाए तो उससे जो है डिफ्यूज़र को जो है कोई ख़तरा ना हो, उसकी जान बचाने में थोड़ा बहुत जो है उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है। और ये जो हेलमेट है बड़ा ही भारी है, इसको अभी मैं आपको पहन के दिखाने वाला हूँ, देखिएगा ज़रा पहन के कैसा लगता है। ये सेफ्टी के लिए है, पूरे सूट के साथ इसको पहना जाता है, फेस पूरा इसका कवर कर लेता है ये सामने से आने वाले बम के इम्पैक्ट को, चाहे फ्लेम हो या उसमें एक्सप्लोजिव हो, उसके इम्पैक्ट को कम कर देता है। तो ये कुछ इस तरीके से है, पहन के दिखा दूँ मैं आपको, ये देखिए। प्राउड है अपनी आर्म फोर्सेस पे और हर एक जवान पे जो मुश्तैदी के साथ जो है हर एक स्थिति में, हर एक कंडीशन में, हर एक वेदर में हमेशा तत्पर रहता है, चाहे वो पीस हो, चाहे फील्ड हो या फिर वो ट्रेनिंग का पार्ट हो। तो ऐसा कुछ ये है कुछ मैकेनिज्म जो आप देख पा रहे हैं अभी, गोले को इस तरीके से भरा जाता है, लोड किया जाता है और उसके बाद जो है इसको दाग दिया जाता है अचूक निशाने के साथ। अगर आप अपना चैनल रॉयल सोल्जर ऑन यूट्यूब पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन दबाना ना भूलें, ऑल नोटिफिकेशंस पे, ताकि हर बार जब भी एक बेहतरीन वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंच सके, आपके परिवार तक एक पॉजिटिव बातें और एक देश के हित में एक अच्छी बातें पहुँच सकें। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, दी रॉयल सोल्जर @instagram। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।